हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बातें करते हैं। कल मैंने बात की थी हेलोएरिन में सी एक्स बॉन्ड की नेचर के बारे में या सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति के बारे में, और बताया था कि हेलोएरिन में सी एक्स कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर पाए जाते हैं या आंशिक द्वंद्व के गुण पाए जाते हैं। और फिर मैंने वाइनिल क्लोराइड में भी बताया था कि वाइनिल क्लोराइड में भी आंशिक द्वंद्व के लक्षण पाए जाते हैं और ये दोनों आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। किसके द्वारा? सी एक्स बॉन्ड के द्वारा। कुछ ही कंडीशनों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको करा चुका हूँ SN1 और SN2 रिएक्शन, और SN1 SN2 रिएक्शन में जिस किसी को प्रॉब्लम हो वो मैं दोबारा से इसको क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ 10-15 मिनट के लिए रिवाइज, फिर नेक्स्ट हेलोएरिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले SN रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN रिएक्शन होती क्या है? SN रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले इसका नाम देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अर्थात एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापन कर दिया जाए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी एक नाभिक स्नेही द्वारा अन्य नाभिक स्नेही का क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं मुख्यतः एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती हैं, अर्थात मैं बोल दूं करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं किसकी, एल्किल हैलाइडों की। किसकी? एल्किल हैलाइडों की। तुमने यदि पढ़ा है जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे पहले पढ़ा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसमें तीन टाइप पढ़े होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यह एक पार्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि एल्किल हैलाइडों की करैक्टरिस्टिक्स या मुक्त है, जो क्या है, एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। यह अभिक्रिया किसके द्वारा दी जाती है? एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ SN जो रिएक्शन होती है आपके लेवल पर तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो SN1 और एक SN2। लेकिन जब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हायर लेवल पर तो SNI और एक और रिएक्शन ऐड हो जाती है इसमें, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है SN1 और एक और क्या होती है, SN2। वन का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और टू का मतलब है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या द्वंद्वक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक का मतलब यह है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? SN1। और जिस अभिक्रिया के या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में दो अणु भाग लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? SN2 कहलाती है। और फिर मैंने बताया था कि SN1 जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में। ये SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, एक तो फर्स्ट स्टेप में और एक सेकंड स्टेप में। किसमें? सेकंड स्टेप में। और मैंने बताया था जो SN1 अभिक्रिया है ये किसके द्वारा सामान्यतः दी जाती है? 3° एल्किल हैलाइड के द्वारा, क्योंकि 3° एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील रहते हैं 2° की तुलना में, और 2° सब इससे क्रियाशील रहता है 1°, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहता है? मैथिल हैलाइड रहता है। वो कैसे रहता है मैं अभी इसको बताऊंगा। और फिर SN2 अभिक्रिया, मैंने बताया था SN2 अभिक्रिया एक पद में ही संपन्न होती है, ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से, संक्रमण अवस्था के माध्यम से संपन्न होती है। और इसमें आपको पता है कि SN2 अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है वो क्या है? मैथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम 1° और उससे कम 2° और सबसे कम 3°। अर्थात मैथिल हैलाइड तो SN2 अभिक्रिया तेजी से देता है, जबकि 3° एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया तेजी से देता है। देखो कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ SN1 अभिक्रिया की। किसकी? SN1 अभिक्रिया।
वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनके वेग निर्धारण पद में केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है क्या कहलाती है? SN1 अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनके वेग निर्धारण पद में केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है क्या कहलाती है? SN1 अभिक्रिया या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड द्वारा आसानी से दी जाती है। तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड द्वारा आसानी से दी जाती है और यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में। अब ये दो पद समझने हैं आपको, क्या समझने हैं? दो पद। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन की मैं पहले कंप्लीट रिएक्शन को, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH क्या लेना है? एक्वस, एल्कोहलिक नहीं लेना है, क्या लेना है? जलीय। या ले लें NaOH, क्या ले लें? NaOH, लेकिन कैसे होने चाहिए? दोनों जलीय होने चाहिए, एक्वस, ठीक है? क्योंकि एक्वस KOH में तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की बात करें उसमें विलोपन अभिक्रिया होती है। यदि एक्वस की जगह एल्कोहल यूज में करें तो विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, जो कि मैं करा चुका हूँ विलोपन अभिक्रिया, उसमें देखना एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया एल्किन का निर्माण होता है, ठीक है? तो कैसे लेनी है? एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये KX और क्या बनेगा? CH3 तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्या बनेगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। यदि मैं यहाँ पर Cl ले लूँ तो यहाँ पर क्या निकलेगा? Cl, क्या निकलेगा? Cl, ठीक है? अब यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? दो पदों में। सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट रिएक्शन को लिख दिया, फिर इसके बाद यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या करता है देखो, या इससे भी पहले लिखूँ, जैसे KOH है, कैसा है? एक्वस, आयनीकृत होगा K+OH- में। अब ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है जो कि फर्स्ट स्टेप, यहाँ से चालू होता है फर्स्ट स्टेप, और यहाँ मैकेनिज्म डाल लेना क्रियाविधि, जो कि मैं पहले ही करा चुका हूँ उसको, ठीक है? क्रियाविधि में सबसे पहले KOH आयोनाइज होगा K+OH- में। अब देखो यहाँ OH- है, ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, किसने बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो नाभिक स्नेही तो इसने रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नाभिक के पास क्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है? नाभिक में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, रहता है क्या? तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। किसकी तरह? नाभिक स्नेही की तरह। नाभिक स्नेही अर्थात नाभिक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वहां आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। किसकी तरह व्यवहार करता है? नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। क्या कहते हैं? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ठीक है? तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आप सभी को पता है कि यहां पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कार्बन एटम से, कार्बन परमाणु से क्या है? ज्यादा है। और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेता है, और इसमें सहसंयोजक बंध में पोलर अर्थात ध्रुवीय गुण आ जाते हैं। जब ध्रुवीय गुण आ जाते हैं तो आपको पता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉनों को, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जा रहा है, इसलिए इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, जिसे धीमा पद कहते हैं, और एक और नाम है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला,
अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला स्लो स्टेप धीमा पद या RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहले पद में क्या होता है, देखो ये CH3 ये कार्बोकैटाइन, कार्बन पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl माइनस, ये एक इंटरमीडिएट है मध्यवर्ती। और आप 11th क्लास में पढ़कर आए इसके बारे में कि कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके सभी के बारे में, इनको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी आपने 11th क्लास के 12th चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कार्बोकैटाइन क्या है, कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती, कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती। और इस कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती का मैंने संकीर्ण बताया, संकीर्ण क्या होता है sp2, क्या होता है sp2। और sp2 संकीर्ण के कारण इसकी ज्यामितीय संरचना की बात करें तो क्या होती है, समतल त्रिकोणीय। कैसी होती है, देखो कार्बोकैटाइन होता है इसमें sp2 संकीर्ण पाया जाता है, और संकीर्ण यदि आपने पढ़े BSEPR थ्योरी में, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी 11th क्लास में ही, तो वहां पर संकीर्ण पढ़ा है sp संकीर्ण होता है, तो रेखीय आकृति होती है, बंद कोण का मान 180 डिग्री होता है, sp2 होता है समतल त्रिकोणीय आकृति रहती है, बंद कोण का मान 120 डिग्री रहता है, sp3 में कितना रहता है 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय, जैसे CH4 CCl4। और sp3d किस में रहता है, PCl5 में, और कितना बंद कोण, दो होते हैं 120, और एक और रहता है 90 डिग्री, और एक sp3d2 अष्टफलकीय SF6, उसमें प्रत्येक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो वहाँ आपने BSEPR थ्योरी में सब पढ़ रखे होंगे। तो देखो इसमें संकरण क्या रहता है, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, समतल त्रिकोणीय आकृति पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप और इधर मेथिल ग्रुप, सभी एटम क्या समतल में है, ये देखो इस टाइप से, यहां पर ये कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, कैसा है पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है वह कार्बन है, इधर मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप और इधर मेथिल ग्रुप, और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक पी ऑर्बिटल है, बैक एंड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। अब देखिए सभी एटम एक ही तल में है कि नहीं, यदि बीच में से काटें सब बराबर भागों में कटेंगे तो क्या नाम आएगा, समतल। और तीन कोण बन रहे हैं, जो मैथ वाले तो जानते होंगे तीन कोण क्या होते हैं, त्रिकोणीय है कि नहीं है, तो समतल त्रिकोणीय। और बॉन्ड एंगल 360 डिग्री में तीन का भाग देंगे 120 डिग्री का, तो प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री रहता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हेलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिसके कारण कार्बन परमाणु के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींच करके Cl- के रूप में निकलता है, और कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है मध्यवर्ती का निर्माण होता है। और ये जो पहला पद होता है स्लो स्टेप होता है, RDS होता है, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो कि अभिक्रिया की दर को या वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है। और अभिक्रिया की जो रेट है या दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी कंसंट्रेशन पर, किसकी सांद्रता पर, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। क्योंकि अभिक्रिया की या दर की बात करें तो स्लो स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड के कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक ही तो है, कितना है एक। तो यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर, और रेट या दर या वेग इक्वल टू के तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए केवल एक अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी रहेगी, एक, कितनी रहेगी एक, अर्थात SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि कितनी रहती है, एक रहती है, क्योंकि दर है या वेग है वो डिपेंड करती है ओनली एक एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर या सांद्रता पर, ठीक है। और इसके बाद फिर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटाइन जिसका संकरण क्या रहता है, sp2 संकरण रहता है, और इसकी जो आकृति है वो कैसी रहती है, समतल त्रिकोणीय। अब देखो मैंने यहीं पे एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैं सेकंड स्टेप को करा देता हूं, जब कराऊंगा उसको। सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटाइन अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, नाभिक स्नेही का, ये जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है ना, इसका आक्रमण होगा OH-
OH माइनस एक ही है। कैसे हैं देखो इधर, ये अभी देखा आपने कि इस टाइप से होती है उसकी स्ट्रक्चर, होती है ना। यदि मैं इस टाइप से पकड़ूं इनको तो नाभिक इसने ऊपर से भी आ सकता है, अब से भी, बिलो से भी आ सकता है, नीचे से भी। दो प्रकार की कंडीशन है, क्योंकि दोनों से सेम त्रिविमीय बाधा है, मतलब जैसे इधर ग्रुप हैं जैसे ही इधर ग्रुप हैं। हाथ को मत देखना, इनको देखना बस, ठीक है। और यदि मैं इसको इससे पकड़ूं, ये भी तो है, यो पकड़ूं जब, तो अबव से और बिलो से, ऊपर से और नीचे से, दो कंडीशन 50-50%। यदि इस टाइप से पकड़ूं तो जिधर से हेलोजन एटम निकला है उधर से और उसके विपरीत साइड से, तो दोनों कंडीशन क्या है, समान है। दोनों कंडीशन क्या है, समान। जब दोनों कंडीशन समान है तो प्रोडक्ट या उत्पाद के बनने की संभावना कितने प्रकार की रहेगी, दो प्रकार की। एक तो हो सकता है जिधर से हैलाइड आयन निकला है उधर से ही नाभिक स्नायु का आक्रमण हो जाए, तो विन्यास सेम ऐसे कि ऐसा ही रहेगा। और एक हो सकता है इधर से हैलाइड आयन निकला है और आक्रमण नाभिक स्नायु का पीछे से हो जाए, तो इसका विन्यास क्या होगा, विपरीत होगा। किसके, इसके, किसके, इसके। तो दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। मान लो इधर से इसका अटैक हो या बैक साइड से, किससे, बैक साइड से, और इधर मान लो इसका फ्रंट साइड से हो, तो देखिए दोनों उत्पाद के बनने की जो संभावना होती है वो होती है 50-50%। कितनी, 50-50%। और एक टर्म में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कि जब दोनों उत्पाद की मात्रा 50-50% होती है, अर्थात इक्विमोलर मिक्सचर होता है, समान मिश्रण होता है उत्पाद का, 50% डी रूप 50% एल रूप, नाम देते हैं इसको डी रूप और एल रूप, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती ध्रुवणगुणक। जब दोनों समान मात्रा में होते हैं 50-50% में, तो इसको बोला जाता है रैसिमिक मिश्रण, रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिश्रण, पेयर ऑफ एनेंसियोमर अर्थात एनेंसियोमर का युग्म, दोनों एनेंसियोमर के युग्म हैं ये, इसी को पेयर ऑफ एनेंसियोमर या रैसिमिक मिक्सचर के नाम से बोला जाता है। तो SN1 अभिक्रिया में यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहले स्टेप में क्या हुआ, हैलाइड आयन बाहर निकला, कार्बोकैटायन बना, क्या बना, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का संकरण बताया मैंने, SP2 होता है, समतल त्रिकोणीय आकृति रहती है, और ये क्या है, समतल त्रिकोणीय आकृति रहती है, और ये इंटरमीडिएट है, ये मध्यवर्ती है, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती है। और अब आप 11th की तरफ जाओ तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का क्रम पढ़ाया आपने, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाए, और मैंने उस वीडियो में भी कराया है कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री की ज़्यादा तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। और इसका रीजन क्या है, देखो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन संयोजी को, उसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना रहा है ये, 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। और किसी भी प्रजाति को उसके बैलेंस सेल में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की आवश्यकता होती नहीं होती है। यदि उसके बैलेंस सेल में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या वो स्थाई रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो यहां पर इसका अष्टक अपूर्ण है, अष्टक क्या है, अपूर्ण। यदि इसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप जोड़ दिए जाएं जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिलीज करने वाले हों या देने वाले हों, तो इसका अष्टक की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन अष्टक की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, किसका, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इधर देखो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है, कब क्रियाशील ज्यादा रहेगा, जब उत्पाद की मात्रा अधिक स्थायी होगी, उत्पाद अधिक स्थायी रहेगा। मान लो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड क्रिया करके 2 डिग्री एल्केल 2 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण करे, और एक 3 डिग्री एल्केल हैलाइड क्रिया करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण करे, तो कौन सा अधिक एल्केल हैलाइड क्रियाशील रहेगा, 3 डिग्री क्यों रहेगा, कि 3 डिग्री एल्केल हैलाइड में से
किसका निर्माण होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थाई रहता है, और जो कि 2 डिग्री एल्केल हैलाइड क्रिया करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री से क्या होता है, कम स्थाई रहता है, इसलिए 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, उसकी तुलना में कम क्रियाशील 2 डिग्री और सबसे कम क्रियाशील मेथिल हैलाइड जो कि मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि वो क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले तो 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पर और मैंने SN1 SN2 अभिक्रिया में जो अंतर बताए थे, क्या बताए थे कि SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर है केवल एक अणु की सांद्रता पर, एल्केल हैलाइड के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। फिर मैंने क्या बताया, SN1 अभिक्रिया होती है 2 पदों में संपन्न होती है, कितने पदों में, 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है तो मैंने फिर लिखाया कि SN1 अभिक्रिया में जो एल्केल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मेथिल हैलाइड। फिर लिखाया मैंने SN1 अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में रहस्यमय मिश्रण का निर्माण होता है, क्योंकि उत्पाद दो कंडीशन होती है, एक तो 50% एल, एक 50% डी का निर्माण होता है। मान लो मैं यहां पर इसको डी रूप दे दूं, क्या दे दूं, डी, ये प्रायोगिक है, प्रायोगिक प्रघटना होती है, डी, डी का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी दक्षिणावर्ती, तो यहां इसका क्या है, ये सेम विन्यास है तो इसका भी क्या होगा, डी, लेकिन ये रिवर्स है तो ये एल होगा, लिबो रोटेटरी या वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। तो यहां उत्पाद दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक तो एल रूप और एक डी रूप, और दोनों का समान मात्रा में मिश्रण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेसमिक मिश्रण, क्या कहते हैं, रेसमिक मिश्रण। तो SN1 अभिक्रिया आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। हाँ भाई देखो, SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में सबसे पहले वो ही एल्केल हैलाइड किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, और यहां से CLE लगा लेता हूं, CLE या BR कुछ भी, रिएक्शन स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या बनेगा इसमें, मेथेनॉल, और क्या निकलेगा, KCL, क्या निकलेगा, KCL। तो सबसे पहले SN2 रिएक्शन वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारण पद में, किसके वेग निर्धारण पद में, दो अभिकारक अणु या एल्केल हैलाइड और क्षार की सांद्रता, वेग निर्धारण पद में दो अभिकारक अणु, एक तो एल्केल हैलाइड और क्षार भाग लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, बाई मोलिकुलर या दोणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनके वेग निर्धारण पद में दो अभिकारक अणु, एक तो एल्केल हैलाइड और एक क्षार भाग लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, दोणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह SN2 जो अभिक्रिया होती है एक पद में, SN1 कितने पद में संपन्न हुई थी, दो पद में, किसके माध्यम से, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के माध्यम से, लेकिन SN2 जो अभिक्रिया होती है यह संक्रमण अवस्था के माध्यम से केवल एक पद में संपन्न होती है, किसके माध्यम से, संक्रमण अवस्था के माध्यम से केवल एक पद में संपन्न होती है। देखो कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म या क्रियाविधि, यदि किसी को अंग्रेजी में जैसे प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, मतलब अंग्रेजी टर्म ज्यादा यूज करूं ना मैं, तो देखो सबसे पहले ये क्या है, मैथिल क्लोराइड, और इससे भी पहले जैसे मैं वो ही पहले पद में, ये क्या होगा, KOH, और कैसा है, एक्वस, इसका आयनीकरण होगा K+ OH- के रूप में, सबसे पहले क्या होता है, KOH का आयनीकरण K+ OH-, और यहां पर बताइए OH- नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही, कैसा है, नाभिक स्नेही, क्योंकि इसके पास स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो क्या होगा, नाभिक स्नेही।
और क्या है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो देखो पहले इस पद में क्या होता है, एक ही पद में संपन्न होती है, तो इस पद में सबसे पहले मैथिल हैलाइड या मैथिल क्लोराइड, ये OH माइनस जो कि आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, क्या है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, सबसे पहले मैथिल क्लोराइड की संरचना बताइए, संकरण क्या है इसका, मैथिल क्लोराइड sp3 बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय है संरचना या ज्यामिति, देखो इस टाइप से है कि नहीं है, ये कैसे भी पकड़ो कैसे भी पकड़ो सेम। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, मान लो देखो ये हाथ से वो हो रही है इस टाइप की मैथिल क्लोराइड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इधर क्या है Cl, इधर क्या है Cl। अब हमारे पास नाभिक स्नेही का आक्रमण इसी पद में हो रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए जो नाभिक स्नेही है वो हमें इधर देखो, ये मैथिल क्लोराइड कैसे है देखो H H H और Cl। अब एक चीज बताइए हमारे पास ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, क्या ये आगे से अटैक कर पाएगा, क्या ये पीछे से अटैक कर पाएगा, यस कर पाएगा, क्यों इधर देखो इधर यदि बात करें तो ये नाभिक स्नेही Cl, ये भी नाभिक स्नेही के रूप में निकलता है Cl- के रूप में, और ये भी OH- और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित, क्या करते हैं प्रतिकर्षित। तो और इधर की बात करें प्रतिकर्षित तो करते हैं, इधर से आएगा तो त्रिविमीय बाधा ये भी तो है आगे और इधर भी एल्किल ग्रुप भी हैं, लेकिन पीछे से आएगा तो क्या ये त्रिविमीय बाधा पैदा करेगा, अवरोध अवरोध पैदा करेगा, नहीं करेगा। तो नाभिक स्नेही का यहाँ पर जो आक्रमण होता है वो कहाँ से होता है, पीछे से, बैक साइड से होता है, कहाँ से होता है बैक साइड से, ठीक है, पीछे से इसका अटैक होना चालू और इसका निकलना चालू, देखो। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप रहता है, कैसा रहता है धीमा पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद, क्या कहलाता है वेग निर्धारण पद, अर्थात अभिक्रिया के वेग को या दर को ये पद क्या करता है निर्धारित करता है, अर्थात इसकी रेट या दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एक तो मैथिल क्लोराइड की सांद्रता पर, किस पर मैथिल क्लोराइड की सांद्रता पर, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किस पर क्षार की सांद्रता पर, किसकी सांद्रता पर क्षार की सांद्रता पर। तो यहां देखिए इसके धीमे पद में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, दो, तो ये दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं इसलिए अभिक्रिया SN2 और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसके वेग निर्धारण पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं दो, कितने दो। तो सबसे पहले इधर देखो इसमें एक उच्चतम ऊर्जा की अवस्था का निर्माण होता है, क्या होता है कि ये OH ये बॉन्ड बनना चालू हो जाता है और ये Cl क्या हो जाता है निकलना चालू हो जाता है, और ये H और ये H, देखो इधर इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, पूर्ण नेगेटिव चार्ज, इसने कुछ नेगेटिव चार्ज दिया तो कुछ तो बचेगा, तो इसको पार्शली नेगेटिव, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं लिए इसलिए इस पर क्या आएगा पार्शली नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है और लेकर के जाते हैं तो नेगेटिव, यदि दे करके जाता तो पॉजिटिव, इसके पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, क्या है पूर्ण नेगेटिव चार्ज, कुछ दे दिया है कुछ बचा आंशिक ऋण आवेश, ये लेकर के जा रहा है कुछ लिया है अभी पूर्ण नहीं लिया है इसलिए आंशिक ऋण आवेश, और ऊपर क्या आएगा कंप्लीट ऋण आवेश, दोनों दोनों ऐड होंगे कंप्लीट ऋण आवेश आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, क्या कहते हैं संक्रमण अवस्था, और इस अवस्था की जो एनर्जी होती है वो उच्च होती है, कैसी होती है उच्च,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में आपने पढ़ा होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है, और जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी और स्टेबिलिटी, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थायित्व और ऊर्जा, ऊर्जा बढ़ेगी स्थायित्व कम होगा, ऊर्जा कम होगी स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, और इस फास्ट स्टेप में सीएल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है, OH जुड़ जाता है, और देखिए OH H H H और सीएल, ठीक है। यहां देखो यदि मैं इसको डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानूं तो इसका विन्यास इसके जस्ट रिवर्स है, विपरीत है, तो ये क्या होगा L, क्या होगा L। तो यहां देखिए उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास का क्या है, विपरीत। और मैंने एक आपको बताया था बाल्डन इन्वर्जन या बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन, बाल्डन प्रतिपन। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि SN2 अभिक्रिया होती है केवल एक पद में संक्रमण अवस्था के माध्यम से संपन्न होती है, इसमें पहला जो पद होता है वो धीमा पद होता है, इस धीमे पद में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, एक तो क्षार और एक क्या लेता है मैथिल क्लोराइड या मैथिल हैलाइड, और यहां पर से फिर क्या होता है उच्चतम ऊर्जा की संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, फिर इसी में नेक्स्ट सीएल बाहर निकल जाता है और OH का क्या हो जाता है योग हो जाता है। तो इसमें यहां यदि बात करें, मैंने बताया था कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, तो SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है, एक पद में। SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की थी क्योंकि अभिकारक का एक अणु भाग लिया था वहां, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड या तृतीय ब्यूटिल हैलाइड, और यहां पर SN2 अभिक्रिया कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि की, क्योंकि अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं दो, एक तो मैथिल क्लोराइड और एक बेस। और SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं, SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है कार्बोकैटायन का, लेकिन यहां पर मध्यवर्ती के रूप में मध्यवर्ती का निर्माण तो होता नहीं है, लेकिन उच्चतम ऊर्जा की एक अवस्था का निर्माण होता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहते हैं। और संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं, जिसमें बनने वाले बंध ना तो पूर्णतः बने हुए होते हैं ना टूटने वाले बंध पूर्णतः टूटे हुए होते हैं, क्या कहलाती है संक्रमण अवस्था कहलाती है। उच्चतम ऊर्जा की वह अवस्था जिसमें बनने वाले बंध ना तो पूर्णतः बने हुए होते हैं ना पूर्णतः टूटे हुए होते हैं, क्या कहलाती है संक्रमण अवस्था कहलाती है। और फिर मैंने बताया था कि उसमें एल्केल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील था, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम मैथिल हैलाइड था। और यहाँ SN2 की बात करें, मैथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील और उससे कम 1 डिग्री 2 डिग्री सबसे कम 3 डिग्री। ये ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री देते हैं, SN2 अभिक्रिया क्या देते हैं मैथिल हैलाइड देते हैं, और क्या 2 डिग्री SN1 भी दे सकते हैं SN2 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है क्षार की सांद्रता पर, किसकी पर क्षार की सांद्रता और कंडीशन पर, क्या अभिक्रिया की कंडीशन किस टाइप की है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और यहां पर देखो मैंने बताया था SN1 अभिक्रिया में उत्पाद का जो निर्माण होता है वो रेशमिक मिश्रण होता है, क्या होता है रेशमिक मिश्रण, और यहां पर उत्पाद का निर्माण अभिकारक के विन्यास के विपरीत होता है, उत्पाद का जो विन्यास होता है अभिकारक के विन्यास का विपरीत होता है, और विपरीत होता है इस परिघटना के बारे में बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको बाल्डन इन्वर्जन या बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन के नाम से जाना जाता है। तो बाल्डन प्रतिपन बाल्डन प्रतिलोमन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जब उत्पाद का विन्यास या SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास का विपरीत होता है, तो इस प्रकार की परिघटना के बारे में सर्वप्रथम बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बाल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसे क्या कहते हैं बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन या बाल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो अंतर भी समझ में आ गए, कोई भी प्रॉब्लम। और यहाँ देखो अब वो क्वेश्चन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तो हैं, क्या क्वेश्चन है, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं और इसकी सांद्रता को भी डबल कर दूं, यही तो क्वेश्चन था वो, कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता को डबल कर दूं और क्षार की सांद्रता को डबल कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 अभिक्रिया की जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसको मैं डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं, दोनों मल्टीप्लाई में, तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी,
चार गुना, कितनी? चार गुना। और SN1 अभिक्रिया में मैंने बताया था रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 3 डिग्री एल्केल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। क्या स्लो स्टेप में क्षार भाग लिया था SN1 अभिक्रिया में? नहीं भाग लिया। क्या SN1 अभिक्रिया क्षार पर, SN1 अभिक्रिया की दर क्षार पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। तो मैं क्षार को कितना भी बढ़ाऊं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप सीमांत अभिकर्मक रिएक्शन पढ़ते हो ना 11th क्लास में, सीमांत अभिकर्मक के अलावा किसी भी अभिकर्मक को कितना भी बढ़ाएं अभिक्रिया कि जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा, सीमांत अभिकर्मक। ऐसे यहाँ पर क्षार की सांद्रता को कितना भी हम बढ़ाएं अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लो स्टेप में क्षार हमने यूज में नहीं लिया था। किस स्टेप में लिया था? सेकेंड स्टेप में, फास्ट स्टेप में। आगे समझ में? तो ठीक है, इसको याद कर लेना। कितना टाइम हो गया?